द हिंदू एंड इंडियन एक्सप्रेस इन फाइव मिनट्स इस कोर्स में हम देखेंगे सेवन्थ अप्रैल टू थाउजेंड ट्वेंटी थ्री को क्या है हमारे पास पिटारे में सबसे पहले प्रलिम्स में देखोगे पाँच छः न्यूज़ हैं मेन्स में कोई खास न्यूज नहीं है और दो तीन टॉपिक मेन्स इन थ्री हंड्रेड टॉपिक्स के लिए तो ये कोर्स देखो बेसिकली फ्री uh, है वीडियोज़ के नाम पर आप इस प्ले लिस्ट में देख सकते हो एंड ये पेड कोर्स फोर नाइन्टी नाइन का है अगर आप ये प्ले लिस्ट पाँच लोगों को शेयर करते हो तो आप इंस्टीट्यूट की मेल आई डी पर मेल कर देना आपको ये कोर्स आपको फ्री में हम प्रोवाइड कर देंगे ड परसेंट डिस्काउंट ठीक है ओपन सोर्स सीड्स इनिशिएटिव आपने ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर्स के बारे में सुना होगा जिसमें कोई भी कोड देखकर उसमें इंप्रूवमेंट कर सकता है सिमिलरली ओपन सोर्स सीड्स है बेसिकली ये क्या है जेनेटिक वेराइटीज है आनुवंशिक किस्में सीड सीड्स की यानी कि बीजों की जो कि फ्रीली यूज किए जा सकते हैं मॉडिफाई किए जा सकते हैं सिमिलर डेफिनेशन है जो कि ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर्स की है जैसे क्रॉस ब्रीडिंग के थ्रू आप ओपन सोर्स सीट्स ले आओ थोड़ा बहुत आप उसमें काम कर सकते हो और इसके लिए क्या किया जाता है एक ओपन सोर्स लाइसेंस दिया जाता है ऐसा नहीं कि वर्ड एक ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है तो आप कल के दिन वर्ल्ड का पूरा कोड उठा के अपने आप ही वर्ड प्रेस नहीं बना दो कहो ये तो हमारी ओपन सोर्स थी ऐसा नहीं होता है एक ओपन सोर्स लाइसेंस होता है उसके बेस पर न्यू वेराइटीज़ डेवलप की जाती हैं तो बेसिकली ओपन सोर्स लाइसेंस मिलने से क्या होता है आप सीड को पेटेंट से बचा सकते हो कोई दूसरा नीम पेटेंटिंग या इस तरह की चीज़ें आपने सुनी होंगी वो ना कर ले प्लस बाकी उस सीड को प्राइवेटाइज ना कर ले अपने नाम एक रिलेटेड ऑर्गेनाइजेशन जो कि किसी भी न्यूज़पेपर में नहीं थी इसका नाम है गोसी ग्लोबल कोलेशन ऑफ ओपन सोर्स सीड इनिशिएटिव बेसिकली इंटरनेशनल कोयलेशन है गवर्नमेंट्स की नहीं है बस ये याद रखना ऑर्गेनाइजेशन है और इंडिविजुअल है आप हो सकते हो मैं हो सकता हूँ प्लांट ब्रीडर्स हो सकते हैं फार्मर्स हो सकते हैं कोई भी हो सकता है बेसिकली ये किस चीज़ पे काम करते हैं ये इंश्योर करते हैं सीड्स फ्रीली यूज़ हो जाएं और परपेचुअल हमेशा के लिए सीड्स को साझा किया जा सके तो ये जो न्यूज़ है हिंदू में छपी है ये पूरा आर्टिकल है मन करे तो पढ़ लेना यही काम की चीज़ है जो मैंने आपको पढ़ा दी देन परम्बिकुलम टाइगर रिजर्व केरला में है क्यों न्यूज़ में है एक आपने बहुत दिन से न्यूज़ में इस हाथी का नाम सुना होगा अरिकोम्पन ये कुछ जगह पे खुला घूम रहा है तो उसके ऊपर फिर एथिकल इश्यूज चले कि इसको आप पाल सकते हो नहीं पाल सकते हो क्या करना है तो हाई कोर्ट ने फाइनली आदेश दिया कि इस हाथी को इस टाइगर रिजर्व में रीलोकेट कर दो इससे पहले जब कोर्ट में केस गया था तो जो एडवोकेट जनरल थे वहाँ के उन्होंने ये कहा कि जो चीफ वाइल्ड लाइफ बॉर्डर है वही डिसीजन लेंगे को हाई कोर्ट ने कहा ठीक है वो सब लेकिन आप इसको फिलहाल वहाँ ट्रांसलोकेट कर दो क्लाइमेट वहाँ ठीक है वेजिटेशन ठीक है सब कुछ ठीक है हाथी वहाँ सर्वाइव कर जाएगा ये लोकेशन है केरला में ये आप समझ लेना थिंक आपको आइडिया लग रहा होगा ये आर्टिकल लगातार कला क्षेत्र में इन पर लगातार आप देख रहे हो न्यूज़ में चीज़ें आ रही देन लंपी स्किन डिजीज गांठदार त्वचा रोग एल एच एल एच डी की दूसरी फुल फॉर्म भी होती है अगर आप कमेंट सेक्शन में बताना चाहो तो बिल्कुल मत बताना तो एक हाईली कंटेजियस यानी कि संक्रामक बीमारी है ए से बी बी से सी कंटेजियस तो आप खैर पिछले दो तीन साल में समझ ही गए हो क्या हो कंटेजियस वायरल डिजीज कान खड़े हो जाने चाहिए बट एक कैटल और बफेलो की डिजीज़ है इससे मॉर्टेलिटी रेट कम है रिसेंटली लगभग एक लाख सत्तर हज़ार जानवर इसकी वजह से मारे गए तो एक रिपोर्ट आई उसने कहा कि दूध के प्रोडक्शन में स्टेग्नेशन आ सकता है बट ये जो बीमारी है ह्यूमन को प्रभावित नहीं करती अब देखो जैसे मैंने कल लेक्चर में बताया था ना आप और मैं सब हम सब कुत्ते हैं तो हमें तो कुत्ते की वैक्सीन लगानी है तो ये कैटल और बफेलो की बीमारी तो नहीं होगी ठीक अगर आप भैंस की तरह चलते रहते हो तो, तो फिर थोड़ा बच के रहना देन लिग्नाइट ब्लॉक कोल मिनिस्ट्री ने एक नोटिफिकेशन जारी किया कि हम 101 सौ एक लिग्नाइट जो ब्लॉक्स हैं लिग्नाइट आपको पता होगा कोल का एक ग्रेड है उनको हम ऑक्शन करेंगे तो अब तमिलनाडु में लोग आपने देखा होगा तमिलनाडु इन जनरल सेंटर को ही करता है तो तमिलनाडु में तीन कोल ब्लॉक हैं लिग्नाइट की उन्होंने कहा इनको एक्सक्लूड कर दो बाकी आपको जो करना है कर लो तो तीन ब्लॉक हैं उनका अगर आपको, आपको नाम याद रखना है वडासेरी तंजावुर में है दूसरी ईस्ट ऑफ सठिया थोपे जो भी आप कहो थोपे ठोपे ये कडलर में है देन एक माइकल पट्टी ये है माइकल पट्टी uh, अरियालोर जो डिस्ट्रिक्ट है ये पेडी ग्रोइंग एरिया है काफ़ी इंपॉर्टेंट पेडी ग्रोइंग एरिया है ये तीनों एरिया कावेरी डेल्टा जोन में आते हैं सी डी जेड ये होता है सी डी जेड या जी जो कहना और स्टेट के एग्रीकल्चर प्रोड्यूस में इन एरियाज का काफ़ी बड़ा रोल है ये न्यूज़ है स्टालिन अपोज कर रहे हैं ठीक है देख लेना आपकी मर्ज़ी फिर क्विज़ में हिंदू में ये पूछा था कि वो कौन सा एलिमेंट है जिसका नाम दो कॉन्टिनेंट के बेस पर रखा गया है तो मेरे हिसाब से अमेरिकम है रट लेना और यूरोपियन है प्लस यूरोपियम यूरोप के नाम पर है अमेरिकम स्मोक डिटेक्टर्स में यूज़ किया जाता है हिंदू में था ये लाइन लिखी थी तो मैंने वो आपको बता दी फिर इंडियन एक्सप्रेस में एक बहुत ही अच्छा आर्टिकल आया है ये सोचने पर मजबूर कर देगा और उन्होंने इस बार इस पर कमेंट किए जो नॉन वेजिटेरियंस हैं हम हमेशा उन्हें क्या कहते हैं क्रुएलिटी एनिमल क्रुएलिटी ये सब चीज़ें तो जो uh, ये वाला आर्टिकल है क्रुएलिटी ऑफ वेजिटेरियन आप प्लांट्स काटते हो उनको भी तो दर्द होता है राइट तो मोरल हाई ग्राउंड ऑफ वेजिटेरियन वो थोड़ा थोड़ा अब दरक रहा है खिसक रहा है ठीक है एक ये जो हर्ब है मैंडरिक uh, मैंडरिक जड़ी बूटी ये बेसिकली मेडिसिन और uh, कई जगह यूज़ की जाती है और जब इसको उखाड़ा जाता है तो ये फिर चिल्लाता चीखता मेन्स के लिए कीवर बस पढ़ लेना और इससे ज़्यादा कुछ इम्पोर्टेंट नहीं है फिर एक कोर्ट केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा चाहे आप पोलिटिकल लीडर हो या कोई भी हो आपको हायर इम्यूनिटी नहीं मिल सकती आप ऑर्डिनरी आम नागरिकों की तरह ही हो आम आदमी पार्टी ने आम नागरिकों की बात की उन्होंने फिर ये केस है मीडिया वन केस हर न्यूज़ में हर न्यूज़पेपर में अलग अलग तरीके से आएगा हिंदू ने कहा प्रेस की इंडिपेंडेंस जा रही है इंडियन एक्सप्रेस ने कहा चिलिंग इफेक्ट डरावना ठंडा कर देगा प्रेस को तो सुप्रीम कोर्ट ने मीडिया वन पर जो बैन था उसको रिवोक कर दिया उन्होंने तीन चार बातें कही सुप्रीम कोर्ट ने इनमें से अगर आप कुछ कोर्ट करना चाहो तो कर देना इंडिपेंडेंट प्रेस इज़ वाइटल फॉर रोबस्ट फंक्शनिंग ऑफ डेमोक्रेटिक रिपब्लिक हम डेमोक्रेटिक रिपब्लिक है ना तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा यह फोर्थ पिलर तो होना ही चाहिए दूसरा प्रेस की क्या ड्यूटी है सच बोले सत्ता के सामने पावर के सामने ऐसा नहीं कि मतलब आप लो लुप हो गए और जाके तलवे चाट रहे ऐसा नहीं और सिटीजन्स को हार्ड फैक्ट दे ठोस इंफॉर्मेशन के साथ पूरे प्रॉपर रिसर्च के साथ ऐसा नहीं कि मीडिया ट्रायल्स कर दिए किसी को भी आपने बरी कर दिया किसी को भी दोषी ठहरा दिया ये नहीं करोगे फिर अ होमोजिनाइज व्यू ऑन इश्यूज एक कोई मुद्दा है उस पर अगर सभी न्यूज़पेपर वाले एक ही साइड का व्यू देने लगे चाहे वो प्लस हो या माइनस हो या कैसा भी हो तो वो तो फिर डेंजरस लाएगा ना डेमोक्रेसी के लिए बस तो यही सारी चीज़ें सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि नहीं नहीं आप एंटी इस्टेब्लिशमेंट मत बनो चीज़ों को चलने दो फिर आई ने क्या कहा कि जहाँ भी कोयले से रिलेटेड इंफ्रा प्रोजेक्ट होंगे हम वहाँ पैसा नहीं देंगे आई ने ये क्यों कहा क्योंकि आपने पढ़ा होगा ना कि हम कार्बन को कैप्चर करना चाह रहे हैं वन पॉइंट कार्बन आ, की वजह से जो ग्लोबल वार्मिंग हो रही है उसको कैप्चर करना चाह रहे हैं टेम्परेचर वन पॉइंट फाइव डिग्री सेंटीग्रेड प्री इंडस्ट्रियल एरा से तो उसके लिए फिर आईएफसी ने कहा हम भी बस इसके अकॉर्डिंग अब काम करेंगे तो ये न्यूज़ आ गई फिर फिर एक्वाकल्चर बिल आएगा तो एक्वाकल्चर बिल से पहले इस टर्म को समझ लेते हैं एक्वाकल्चर बेसिकली एक्वा फार्मिंग है राइट right? एंड इट इज़ कंट्रोल्ड कल्टिवेशन ऑफ एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म एंड प्लांट्स उनकी नियंत्रित खेती है अदरवाइज समुद्र में कहाँ आप उगा दोगे इधर से उधर चला गया तो बेसिकली इट इज़ फार्मिंग इन कल्चर इट इज़ ब्रीडिंग रेजिंग हार्वेस्टिंग फिश सेल फिश एंड प्लांट मतलब बेसिकली दो चीज़ें हैं ऑर्गेनिज्म और प्लांट दोनों आते हैं बस एक्वाकल्चर ये होता है बिल में क्या मेन फीचर्स हैं बेसिकली ईज ऑफ डूइंग बिजनेस बढ़ाना है दूसरा जो 2005 में ऑलरेडी कोई एक्ट होगा उसको उसमें बहुत सारे ऑफेंसेस हैं उनमें से किसी ऑफेंस को डिक्रिमलाइज़ करना है फिर कोस्टल एक्वाकल्चर अथॉरिटी उसके जो प्रोसीजर्स हैं ऑपरेशनल प्रोसीजर्स हैं उनको थोड़ा सा फाइन ट्यून करना है फिर इन्वायरमेंट फ्रेंडली कोस्टल एक्वाकल्चर थोड़ा इम्प्रूव करना है इससे एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ बढ़ेंगी ऐसे ही कुछ बातें बिल है जब पूरा बन जाएगा तब ये न्यूज़ में आएगा इतना बड़ा बिल नहीं कि मीनस में, में भी पूछे ठीक है आ, फिर फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट में अमेंडमेंट हो रहे हैं वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन एक्ट में अमेंडमेंट हुए बहुत बड़े बड़े एक्ट हैं इनके ऊपर आपको पढ़ना चाहिए वाइल्ड लाइफ वाले पे तो हो सकता है इस बार प्री में भी क्वेश्चन पूछ ले फिर इंडिपेंडेंट प्रेस एक मेन से थ्री हंड्रेड के लिए टॉपिक बनता है और यू एन वर्ल्ड वाटर कॉन्फ्रेंस ये चलेगी लगातार न्यूज़ देखो हमने कल कवर किया था इसमें दो तीन चीज़ें रिलेटेड जो कुछ होगा ये और इंडिया जस्टिस रिपोर्ट ये सब चीज़ें चलेंगी सो थैंक यू फॉर वॉचिंग इस प्ले लिस्ट को आप जरूर जरूर फॉलो करना ये वाली प्ले लिस्ट है एंड ये कोर्स है फ्री में आपको चाहिए शेयर करो एंड बिलीव मी जिन्होंने पीटी शेयर किया था उनको हमने फ्री प्रोवाइड कर दिया आप भी ये कोर्स ले सकते हो